कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एसएम कृष्णा का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आज मदुर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वो एक असाधारण नेता थे जिनका सभी क्षेत्रों के लोग सम्मान करते थे। बता दें कि एसएम कृष्णा का जन्म 1932 में हुआ था। उनका पूरा नाम सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा है। वो साल 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया और 23 मई 2009 विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। मार्च 2017 में एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2023 में सरकार ने एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। Till tomorrow morning 8 a.m. We will permit anyone who wants to desire to pay their respect in Bangalore at the residence will be allowed here. So morning at 8 o'clock the S.M. Krishna's body will be taken to Madur, Somnali in his own land. He will be there. And from 10:30, there will be a stop at Ramnagara, Chennapatna, and then at Madhu on the way. Then at till 10:30, we will reach to Madhu, that is Somnali. From there, we'll till 3 o'clock, all of them will be allowed to have their darshan, and the family rituals will be conducted for 1 hour. Then 4 o'clock, the state honor will be conducted.